बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा एपिस्टैक्सिस यानी नकसीर के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा एपिस्टैक्सिस यानी नकसीर क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं यानी अलामात क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिससे अगर आपको एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह एक ही दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और आपको दोबारा नकसीर का मसला नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हम जान लेते हैं कि एपिस्टैक्सिस यानी नकसीर क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को और हमारे बॉडी के हर ऑर्गन यानी जिस्म के हर उज़ू को ब्लड की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारी नाक को, हमारी नोज़ को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है, और इस ज़रूरत को चंद आर्टरीज पूरा करती हैं जो मुख्तलिफ एरियाज से होते हुए एक एरिया में आकर मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और इस एरिया को हम लिटल्स एरिया कहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है यानी बहुत हसास जगह होती है, और अगर आप कुछ ज़्यादा धूप में रहें तो उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म हवा में रहें तो उसकी वजह से ये एरिया फट जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, खून का इखराज होने लगता है, और इसी कंडीशन को हम एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग या नकसीर कहते हैं। मोस्टली केसेस एपिस्टैक्सिस के इसी एरिया से ब्लड आने के होते हैं, लेकिन कुछ केसेस दीगर वजूहात की बिना पर भी हो सकते हैं, जैसे हमारे आंसुओं की थैली की जो डक्ट होती है वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसी तरह कुछ और काजेज भी हो सकती हैं। तो चलिए, हमने जान लिया है कि एपिस्टैक्सिस क्या होता है, नकसीर क्या होती है, नोज ब्लीडिंग क्या होती है, तो अब हम जान लेते हैं कि इसके काजेज क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहें तो आपको एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप गर्म हवा के कॉन्टैक्ट में रहें तो आपको एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप हाइपरटेंशन हो जाए यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपको एपिस्टैक्सिस हो सकता है। इसी तरह नाक को बार बार रगड़ने की वजह से एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको साइनस इन्फेक्शन हो तो आपको एपिस्टैक्सिस यानी नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या नाक पर चोट आने की वजह से भी एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो सकता है। ये थे इसके कुछ काजेज। अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। तो इसका सबसे बड़ा यही सिम्टम होता है कि नोज ब्लीडिंग होती है, नाक से खून बहता है, लेकिन ये ब्लड बिल्कुल सुरख चमकदार भी हो सकता है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड भी हो सकता है, और स्याही माइल भी हो सकता है, और इस ब्लड में कुछ क्लॉट्स यानी लोथड़े से भी हो सकते हैं, और आपको ब्लीडिंग के साथ साथ चक्कर भी आ सकते हैं और सर दर्द भी हो सकता है। ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लेक्सेस 200। अगर नोज ब्लीडिंग का कलर जो है वो स्याही माइल हो, नाक से बहने वाले ब्लड का, खून का रंग जो है वो स्याही माइल हो और साथ में लोथड़े से हो, क्लॉट से हो, तो लेक्सेस 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये रोजाना सुबह एक मर्तबा लें। आप इसे रोजाना एक मर्तबा सुबह के वक्त डायरेक्टली टंग पे दो कतरे डालें, यानी डायरेक्टली जुबान पे दो कतरे डालें, आपका एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। चंद दिन ये यूज करें, उसके बाद इसको छोड़ दें। और अगर आपको एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम है और वो सर्दियों में बना है, चूँकि एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम अमूमन जो है वो गर्मियों के मौसम में होता है, लेकिन अगर सर्दी के मौसम में है तो फिर
ट्रिलियम पेंडुलम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप दो कतरे सुबह, दो दोपहर, दो शाम डायरेक्टली जुबान पे लें। इससे आपका एपिस्टेक्सिस का प्रॉब्लम, नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, नक्सीर का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको दो ऐसी मेडिसिन बताता हूँ जिसके लिए आपको किसी तरह की कोई अलामत की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी अलामत ना मिले आप तब भी ये यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहली मेडिसिन है हेमामेलिस मदर टिंक्चर। ये आप किसी भी तरह की होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हर तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये आपने 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम आधे कप पानी में यूज़ करने हैं। आधे कप पानी में हल करके पी लेने हैं सुबह, दोपहर और शाम। ये आप बगैर किसी अलामत के ले सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ इसकी लास्ट मेडिसिन की तरफ और सेकंड विदाउट सिम्टम जो आप मेडिसिन ले सकते हैं उसकी तरफ, तो वो है फेरम फास 6X। फेरम फास 6X किसी भी तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ख़ास तौर पर एपिस्टेक्सिस यानी नोज ब्लीडिंग यानी नक्सीर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम और 4 रात, दिन में 4 बार 4-4 गोली लें। इससे आपका एपिस्टेक्सिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।